स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू ईयर मैथ्स क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कितना सिलेबस करें, एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं, बहुत कम टाइम है, तो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, नंबर थ्योरी में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री आपका ये कम्प्लीट जो यानी एक ही बुक है। अगर आप ओनली नंबर थ्योरी तैयार कर रहे हैं या फिर ओनली ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हमें नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री दो दो यूनिट्स हमारे यहाँ से कवर होते हैं, तो उसे यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो कौन से चैप्टर यूनिट में कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अभी एग्ज़ाम हमारे रिसेंट आने ही वाले हैं, तो हम अब कम्प्लीट सिलेबस नहीं कर सकते हैं, अब हमें साइंटिफिक तैयारी करनी ही पड़ेगी, है ना। जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं आज यहाँ पर बता रही हूँ। और नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई होता है, ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ एमडीयू के लिए बता रही हूँ, केयू के लिए बता रही हूँ, जो आपके सिलेबस में अगर नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री है तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ओके। और यूनिट आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका एग्ज़ाम आप पैटर्न अपना चेक कर सकते हैं। अगर मैं जो बता रही हूँ आपका सिमिलर है तो आप भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे ये हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग सिलेबस मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, जो भी चैप्टर्स यूनिट वाइज मैं डिस्क्राइब करूँगी सारा का सारा हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न में बता रही हूँ। जो यूनिट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी उसके अकॉर्डिंग अगर आपके भी यूनिट्स मैच करते हैं तो आप भी इसके अकॉर्डिंग सिलेबस कर सकते हैं। देखिए, पहले जो हमारी यूनिट है, मैं नंबर थ्योरी का सिलेबस यहाँ पर बता रही हूँ। फर्स्ट, डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रेंसेज, फर्मेट विल्सन्स एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एलर्स फंक्शन ऑफ नंबर थ्योरी, सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी एंड क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। ये छः चैप्टर्स में आपका नंबर थ्योरी कंप्लीट होता है और इसमें आपके दो यूनिट्स कवर होते हैं, डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रेंसेस एंड फॉर्मेट्स विल्सन्स एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तीन चैप्टर्स में आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है, यूनिट फर्स्ट। तो यहाँ से आप दो चैप्टर्स कर सकते हैं। अगर आप डिविजिबिलिटी करते हैं, कॉन्ग्रेंसेस करते हैं, तो थर्ड चैप्टर स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने डिविजिबिलिटी स्किप कर दिया तो आप कॉन्ग्रेंसेस और फॉर्मेट विल्सन्स एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा यहाँ पर लेकर चलते हो, कौन सा चैप्टर आप स्किप करते हो। तो एनी टू, यहाँ से एनी टू चैप्टर से आप तैयार कर लीजिए, कोई भी तीन में से दो, लेकिन फर्स्ट और थर्ड ऐसे नहीं चलेगा, या तो स्टार्टिंग के दो या लास्ट के दो, हर एक यूनिट में से आपको ऐसे चूज़ करना है, ओके। सेकेंड यूनिट आती है फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एलर्स फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी, सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़ होता है फिफ्थ चैप्टर में, जो भी बेसिक पार्ट आप पढ़ते हो बहुत यूज़ होता है इनका, ठीक है। जब आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे तो सम फंक्शंस, इसमें जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। एलर फंक्शन, इसका तो आपको पता ही है, ये तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एलर फंक्शन में बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एलर जो फंक्शन है, एंड सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। ये आपकी नॉलेज को इन फ्यूचर अगर हम देखेंगे तो ये आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको फोर्थ फिफ्थ चैप्टर करने चाहिए। अगर आप सिक्स चैप्टर यहाँ पे छोड़ भी देते हैं तो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, चैप्टर नंबर फोर्थ, चैप्टर नंबर सिक्स। अगर आपने सिक्स कर लिया है, फिफ्थ कर लिया है, तो आप फोर्थ स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे नंबर थ्योरी में दो चैप्टर्स हम छोड़ रहे हैं, कोई भी दो चैप्टर, ठीक है। कौन से, फर्स्ट या थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ, ओनली दो ही चैप्टर आपको स्किप करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी को एक एक चैप्टर साफ करके यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो यूनिट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। तो आपके एक क्वेश्चन, चलिए यूनिट नंबर सेकेंड में लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज यूनिट सेकेंड, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने दो चैप्टर किए हैं तो आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ओके। और अभी ऐसा कोई स्पेशली
जीजे यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई एग्ज़ाम पेपर पैटर्न आया नहीं है स्पेशली, तो आपको जो हमारा पुराना पेपर पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग यूनिट्स वाइज तैयारी करनी पड़ेगी। ओके ऑलराइट, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ और, नंबर थ्योरी के मैंने यूट्यूब चैनल पर जो टॉपिक्स यानी जो चैप्टर्स करवाए हैं, डिविजिबिलिटी एंड कॉन्ग्रेंसेस, ओके, फॉर्मेट और विल्सन थ्योरम आपको मिल सकती हैं, लेकिन कंप्लीट सिलेबस आपको न्यू एरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा सिलेबस वहाँ पर आप कर सकते हो, नंबर थ्योरी एंड जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर करवाए हैं, जो यूट्यूब चैनल पर करवाए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, और जो ट्रिग्नोमेट्री में है, इनमें से मैंने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स करवाए हैं, और इसमें जो टॉपिक मैंने नहीं करवाए वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ओके, तो इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे ये हम देख लेते हैं। डिमोबियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये वैसे आपको चैप्टर नंबर 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे भी मिल सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी काउंटिंग में हो, फर्स्ट से स्टार्ट है या फिर 7th से स्टार्ट है। डिमोबियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। सर्कुलर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हाइपरबोलिक फंक्शन, 3 चैप्टर्स की एक यूनिट यहाँ से बनती है, चैप्टर 3 की। लेकिन यहाँ पर एक आपका बेनिफिट हो सकता है, जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं, जो केवल पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो केवल 7 चैप्टर तैयार कर ले, यानी डिमोबियस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी आप फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप ये चैप्टर तैयार कर लो, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेकेंड और थर्ड चैप्टर कंपेरिजन टू फर्स्ट बहुत ही शॉर्ट है, इन दोनों को मिलाकर इस चैप्टर के बराबर जो वो इसका सिलेबस है। तो कई बार देखा गया है कि अगर चैप्टर हमारा लेंथी होता है तो पूरा एक क्वेश्चन वहाँ से कवर कर दिया जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट कंप्लीट पेपर करना चाहते हैं, मैं उनके यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर्स आप कीजिए। अगर आपके रीअपियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, रीअपियर है तो भी आप इसी पेपर पैटर्न से तैयारी करेंगे और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप थर्ड चैप्टर स्किप कर सकते हो, या फिर आप सेकंड और थर्ड कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्किप करना चाहिए। ओके, फर्स्ट तो आप डेफिनेटली कीजिए क्योंकि इसका यूज़ बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं 4th, 5th और 6th, यूनिट नंबर 4th, यहाँ पर यूनिट नंबर 3rd हमारी कवर हो जाती है, यूनिट 3rd एंड दिस इज यूनिट 4th। ठीक है, यूनिट 4th में भी ऐसा ही है, आप कोई भी 2 चैप्टर कर सकते हो, पहला या दूसरा, आई मीन 4th या 5th या 5th या 6th, यहाँ से भी आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एंड इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ से आप 4th 5th चैप्टर कर सकते हो, 6th चैप्टर स्किप कर सकते हो और यहाँ से 3rd चैप्टर स्किप कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हम केवल यूनिट वाइज एक एक चैप्टर ही स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं उसके लिए मैंने बता दिया, यहाँ से सेकेंड और थर्ड छोड़ सकते हैं। पहला अगर आपने सिर्फ डिमोबियस थ्योरम कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपका एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, लेकिन कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं यही कहूँगी कि आप कम से कम 2 जरूर कीजिए, कम से कम 2 ज़रूर कीजिए। ओके, तो हर एक यूनिट में 3-3 चैप्टर्स हैं, तो 2-2 हमें करने ही पड़ेंगे अगर हमें एग्ज़ाम कंप्लीट करना है तो। ओके, जिनके भी ये सिलेबस सेम मैच करता है वो इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ओके, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एक्सरसाइज भी आपको प्रैक्टिस के लिए करनी चाहिए। ओके, तो इस टाइप से आपको इसकी तैयारी करनी है, और जो आप पूरा सिलेबस अगर करना चाहते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू एरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन पर आप कंप्लीट कोर्सेज कर सकते हैं।
ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, समझिए, चाहे रियल पेयर स्टूडेंट है चाहे रेगुलर स्टूडेंट है, सबके लिए बेनिफिट रहेगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि कौन से चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ओके सो शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।